कैसे आपसे स्वागत है आपका मित्र चैनल पे। भाई साहब राजन बहुत टाइम से कह रहा है कि हमने आज तक अपने चैनल पे कभी भी साउथ इंडियन फूड की वीडियो डाली, तो मैंने चल आ यार आज तेरे को बढ़िया साउथ इंडियन फूड खिलाता हूँ, डोसा वड़ा इडली वगैरह सब जितनी साउथ इंडियन की फेमस डिशेज होती हैं अच्छा ऑप्शन दिखाऊंगा कि जहाँ पे आप आराम से खा सकते हो, निश्चिंत होकर मस्त रिकमेंड करूँगा, बहुत बार खाते रहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं और ये देख लो बोर्ड, देखो न्यू वैसा डोसा कॉर्नर है, रोहिणी सेक्टर 6 के अंदर है, एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो मेकिंग वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है ना, टेस्टिंग वगैरह दिखाएंगे कैसा है क्या नहीं है। तो लो जी आगे करता करता से मिलवाए थे पहले आपको, ये नाम बताओ अपना। सर मेरा नाम कृष्णा। सर ये बताओ कितना टाइम हो गया शॉप? सर ये हो गया 10 साल हो गया। 10 साल हो गए, हाँ जी ठीक है। तो क्या टाइमिंग वगैरह क्या है अपनी? टाइमिंग सर सुबह 9 बजे शुरू होता है, रात को 11 बजे तक। रात 11 बजे तक छुट्टी वगैरह भी है? नहीं छुट्टी नहीं होती सर। अच्छा तो क्या क्या खिला रहे हो? डोसा वगैरह बता रहे हो आप, कौन सा डोसा बढ़िया है? सर आपका बनाया गया मिक्सर डोसा। मिक्सर डोसा, हाँ जी। अच्छा बढ़िया होता है? हाँ बढ़िया होता है सर, मजा आ जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया आएगा सर। और बड़े में दाल बड़ा हो जाएगा? हाँ दाल बड़ा सर, और दाल बड़ा करा देना और एक करा देना इडली, ठीक है सर। ठीक है दिखाते हैं, बढ़िया काम करवा दो। हाँ यहीं बन रहा है, ठीक है चलो आ जाते हैं, दिखाते हैं मेकिंग देते हैं आपको पहले। ये लो जी चलो मेकिंग दिखाने आ गए आपको, ये भैया का तवा है और ये देखो मिक्स वेज डोसा की तैयारी शुरू हो गई हमारे। सब मिक्स वेज का मतलब ये है भाई, सब्जियाँ मिक्स होंगी सारी, नॉर्मल मसाला डोसा नहीं होगा। देखते हैं भैया ने रेकमेंड किया तो कुछ खास बात तो होगी होगी। ये देखो पहले भैया कर रहे सब्जी भी बनाई, बढ़िया तवा लगा हुआ है, सारा सामान लगा हुआ, देखो सांभर मसाला वसाला, और ये देखो क्या बात है। अच्छे से बनाई हो जाएगी तवे पे, बढ़िया देखो लंबा सा तवा है, डोसा भी साइज़ भी अच्छा खासा होगा, ये बढ़िया खाने में मज़ा आए। लो जी सब्जियों की होगी तैयारी पूरी, और ऊपर से आ गया मसाला इनका मैसूर मसाला है इनका, इसके सारे फ्लेवर हैं, टेस्ट वगैरह मतलब बढ़िया काम हो जाएगा ये डलने के बाद, एक नंबर के फ्लेवर्स आ जाएंगे सब्जियों के अंदर, क्या बात है। मतलब ये नहीं है कि कच्ची सब्जी आए मुंह में फ्लेवर ना आए, रोज सब्जी हुए इतना मज़ा नहीं आता, एक अच्छे मसाले के साथ भुनी हुई सब्जी आऊँगी ना डोसे के साथ, ऊपर से क्रिस्पी डोसा भाई उसका मज़ा अलग ही है, क्या बात है। लो जी बुनाई वाली वगैरह हो गई बढ़िया तरीके से, अब इसमें आ जाएगा वही आलू वाला मसाला जो हम मसाला डोसा में खाते हैं, और भाई साहब तो खुशबू आ रही है ना मसालों का बनाई होने के बाद सब्जियों की, मतलब मैं ही बता सकता यार क्योंकि मैं अभी फील कर रहा हूँ यहाँ पे आके। तो आप भी आओगे जब बनवा रहे होगे ना तो आपको पता लगेगा, भाई साहब नीचे से बिल्कुल तवे पर लग गई सब्जी अच्छे से, क्या बात है। हो गया पनीर मिक्स वेज डोसा है ना, इतना माल चला गया इसके अंदर, मतलब प्रॉपर वर्थ लग रही है चीज़ की, प्रॉपर हर तरह की सब्जी भी चली गई, पनीर भी चला गया, तो बढ़िया फ्लेवर आने वाला है भाई, एक मज़ा आ जाएगा भैया आपको, क्या बात है। प्रॉपर एक सब्जी तैयार कर दी है मिक्स वेज की एक तरह से देखा जाए तो, और वही होगा ऐसे ही सब्जी अड चलेगी डोसे के ऊपर तो प्रिपरेशन हो जाएगी, क्या क्या बात है। ये जो आवाज़ है ना ऐसा एक फूडी समझ सकता है, ऐसा सुकून। ये देखो जी डोसा लग रहा है अपना बढ़िया सा, डोसे का साइज़ काफ़ी अच्छा निकल के आने लगा, बड़ा सा तवा है और पूरा उस पर फैला दिया अच्छे से, क्या बात है। अच्छे से पक रहा है और ऊपर से चला गया मसाला, क्या बात है। अब ये होगा भाई ये डोसा इस मसाले के फ्लेवर को सोख कर लेगा और जो फिर डोसा खाने में मज़ा आएगा ना, क्या बात है। बिल्कुल भैया ने अच्छे से फैला दिया, डोसा भी ऑलमोस्ट रेडी है, सब्जियां लग गई हैं, मतलब भैया देखो सब्जियां जहाँ भुनी है ना देखो ग्रिल मार्क्स भी आ गए वहाँ पे, तो यही है एक बर्न फ्लेवर आएगा ना जो सब्जियों का डोसे के साथ, उसकी बात ही अलग है। और ये कर दिया डोसे का फोल्ड, अब भाई साहब लग जाएगा ये हमारी प्लेट में, ये आ गया भाई डोसा रेडी करा लिया, अपना सांभर लग रहा है लो, ये आ गया सांभर बढ़िया सा मज़ेदार, पूरा पतीला भर के सांभर बनाया हुआ गर्मा गर्म, ओके काम हो जाएगा
और ये चली गई अपनी चटनियाँ। और ये आ गया भाई सांभर। चलो भाई अब बड़ा लगवा लेते हैं, डोसा तो रेडी। ये भैया के बड़े वगैरह रेडी हो गए बड़े हैं। दाल बड़ा देखो भाई साहब, देख के बताओ कितना क्रिस्पी है। मेरा फेवरेट साउथ इंडियन बना भाई दाल बड़ा ही है यार, तो मज़ा आता है ना खाने में। और ये आ गई इडली। तो हमने प्लेटर लगवा लिया तीनों का, सिंगल सिंगल हमने लगवा लिया, साथ में भैया चटनी वगैरह दे देंगे हमें और सांभर आ जाएगा। तो मैंने कहा एक एक प्लेट ट्राई करने से अच्छा बंदा एक प्लेटर ले ले। पालक वगैरह भी डालते हैं। अच्छा, किसमें? दाल वड़ा में? हाँ दाल वड़ा। हाँ तो भैया बता रहे हैं दाल वड़ा में पालक वगैरह डली हुई है, प्याज लहसुन वगैरह डालते हैं। अच्छा, प्याज लहसुन वगैरह सब डलता है। ये सही हाथ में जाएगा सांभर, क्या बात है। तो चलो प्लेटिंग वगैरह करा ली हमने अपनी सारी, ठीक है। चलो टेस्टिंग की तरफ ले चलते हैं आप। लो जी देख लो भाई, सारा माल लग गया अपना बढ़िया, ठीक है। ये बड़ा इडली को कहीं प्लेटर लगवा लिया, साथ में इनका जो रेकमेंड किया भैया ने डोसा वो लगवा लिया। इसके अलावा इनके पास चाइनीज़ आइटम में भी हैं, चाउमीन और भी प्राइस वगैरह है, मोमोज़ हैं, तो वो सब भी खा सकते हो आराम से, ठीक है ना। बढ़िया सिटिंग बनाई हुई है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली को लेकर आ सकते हो। तो रोहिणी में मैंने और भी जगह खाए हैं, तो काफ़ी अच्छे डोसे मिलते हैं भाई, ये नहीं कहूँगा सिर्फ यही मिलते हैं, पर ये भी एक अच्छा ऑप्शन है ऑल ओवर रोहिणी में कि आप यहाँ पे भी खा सकते हो। मतलब हम काफ़ी बार खाते रहते हैं, तो है हमारा फेवरेट है, आते रहते हैं यहाँ पर काफ़ी बार, तो बढ़िया। आप भी आओगे तो बढ़िया मज़ा आएगा, ये रिग्रेट नहीं होगा भाई क्यों आए, ठीक है ना। तो लो भी डोसा वगैरह देख लेते हैं। ये सांभर आ गया इनका, सांभर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ये नहीं बहुत पतला हो गया बहुत गाढ़ा हो गया हो, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। लो भाई तोड़ लेते हैं। मिक्स वेज डोसा, मिक्स वेज डोसा पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं, वैसे मसाला डोसा लेता हूँ। ये आगे इनकी वाइट वाली चटनी, दमा भाई क्या बात है यार, अंत काम कर रखा भाई। मतलब भैया कह रहे थे ना कि ट्राई करो मज़ा आ जाएगा, सही में मज़ा आ गया। क्या बोलूँ यार, वर्ड्स ही नहीं है, मैं किसकी तारीफ करूँ किसकी ना करूँ। सांभर परफेक्ट सांभर जो होता है ना, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग कम स्पाइसी खाते हैं वो भी खा सकते हैं, मेरे से हम थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं हम भी खा सकते हैं। किक आ रही है थोड़ी छोटी छोटी किक आ रही है। जो डोसा है उसके अंदर का जो ये मसाला है ये इतना अच्छे तरीके से पक चुका है, अच्छे तरह पक चुका है, अलग अलग फ्लेवर्स आ रहे हैं। जो इनका मसाला था मैसूर मसाला वो डाला है, ए वन टेस्ट है भाई उसका। सब्ज़ियाँ ऐसी लग रही भाई साहब कि सब्ज़ियाँ यार, सब्ज़ियाँ नहीं खा सकते जो बच्चे कहते हैं यार सब्ज़ियाँ नहीं खाएंगे, भाई साहब ये खा कर सब्ज़ी खानी शुरू कर दो पक्की बात है। क्या बात है, सांभर ऐसी बात नहीं है कि जो लिया है कोई देंगे, रिफिल करा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और चीज़ तो नहीं खाई, ये मसूर जो मिक्स वेज डोसा है भाई साहब आना एक बार खाना जरूर, मेरे को छोड़ दो मैं क्या कर रहा हूँ, खुद कहोगे मेरे से यार तारीफ करोगे, ये बात पक्की है। ए वन डोसा है, साथ में ही देख लेते हैं वड़े वगैरह हैं इनके। ये देखो भाई साहब पूरा वड़ा ऊपर से क्रिस्पी है, हाथ लगा के फील हो रहा है मेरे को आराम से, अंदर से सॉफ्ट है बिल्कुल, बड़ा ऐसा होना चाहिए। बहुत जगह मैंने देखा है बड़ा ना ढीला पड़ जाता है ऊपर से भी, उसका मज़ा नहीं आता फिर। ये इसको कर लो भाई डिप अंदर ताकि सांभर सोख कर ले अच्छे से। भाई बड़ा सा ये वाला हो चाहे दाल वाला हो, जब तक क्रिस्पीनेस ना है ना तो मज़ा नहीं आता। जो इनकी क्रिस्पीनेस आ रही है ना बहुत बढ़िया, टेक्सचर एक नंबर है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चटनी की ओके ओके,
चटनी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मेन खेल है इनके जो डोसा है, वड़े हैं, जो वड़े बनाने के तरीके हैं, जो परफेक्शन जो है ना वो है, सांभर का टेस्ट, ये चीज़ बढ़िया। चटनी जैसी होनी चाहिए वैसी है, ओके है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि भाई ये मतलब क्या हो गया, क्या है क्या नहीं है, भाई चटनी बहुत बढ़िया है, तो ओके है चटनी। मतलब रोनी में रह रहे हो ना, आस पास रह रहे हो, एक बार मेरे कहने पे आओ, ट्राई करो, खा के देखो, एक बार मज़ा आएगा। इडली भी ट्राई कर लेते हैं, इडली भी मैंने जस्ट तोड़ी है, काफ़ी सॉफ्ट टेक्सचर है। इडली की दिक्कत ये रहती है, इडली ना लोग सही से पका नहीं पाते, टाइट हो जाती है अंदर से, तो वो चीज़ मज़ा नहीं आता। इसकी पच्छे सॉफ्ट है तो फ्लफी है, टाइट नहीं हुई है बिल्कुल भी। साउथ इंडियन फूड भी ना जो हर बंदे का खाने का तरीका होता है, वो हमारी तरह होता है नॉर्थ इंडियन की तरह, कि भाई जैसे रोटी तरे तोड़ा, थोड़ी सब्जी ली, और नॉर्थ इंडियंस थोड़ा ऐसे ही खाते हैं, खा लिया, कुछ लोग डिप करके भी खाते हैं, कुछ लोग चटनी खा सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका खाने का। इडली वगैरह खा ली, इडली ओके है, सही है, मतलब तो बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, अच्छी है इडली। अगर आप इडली के शौकीन हो, मुझे पर्सनल इतनी इडली पसंद नहीं है, इसलिए शायद मुझे ना पसंद आ रही हो, वैसे ही है। अगर इडली के शौकीन हो तो अगर आए हो डोसा वोसा खा रहे हो, इडली दाल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी इडली नहीं है कि स्पेशली मैं बोलूँ कि हाँ भाई इडली के लिए स्पेशली आ जाओ, ओके आए हो तो ट्राई कर सकते हो। मेन जो इनकी चीज़ है ना, बड़ा परफेक्ट है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा है, एवन टेस्ट है, इसने ना मज़े करा दिया ये डोसा जो। अभी लास्ट आइटम ट्राई कर लेते हैं, दाल वड़ा। दाल वड़ा जैसा एक क्रिस्पीनेस होनी चाहिए ना, कड़क होना चाहिए, वो नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट सा हो गया, तो ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को सही नहीं लगी, बाकी खा के देखते टेस्ट कैसा है। और दाल वड़ा ना थोड़ा सा मैंने और जो खाया, थोड़ा सा कड़क होना चाहिए, क्रिस्पीनेस होनी चाहिए, वो नहीं दिख रही मुझे, ये थोड़ा ढीला सा हो गया, वो चीज़ दिक्कत है। टेस्ट भी ओके है, तो मैं जी इनके बेस्ट आइटम बताऊँ भाई, है डोसे इनके और भी मैंने खाए हैं, बटर वाला डोसा होता है, मसाला डोसा है, प्लेन डोसा है, पनीर वाला डोसा है, रवा डोसा है, तो डोसे इनके मैंने ऑलमोस्ट सारे ट्राई किए हुए हैं, डोसे इनके बहुत बढ़िया भाई, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इनका सिंपल वड़ा है यही बहुत बढ़िया है, ये भी खा सकते हो। इडली थोड़ी ओके ओके लगी, और दाल वड़ा थोड़ा सा थोड़ा ऐसी है, तो मतलब अगर अवॉइड करोगे तो चल जाएगा। भाई साहब डोसे हमें रुकने का मन नहीं कर रहा, ये आइटम मस्ट ट्राई, अगर आ रहे हो ना पहले तो स्पेशली इसके लिए आओ, आ रहे हो खाओ, फैमिली को लेकर आओ, सिटिंग वगैरह बहुत बढ़िया है, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है ना। छुट्टी उट्टी कोई नहीं है इनकी, पूरे दिन बैठे हैं, रात तक बैठे हैं आराम से, कोई बात नहीं ऐसी, आ सकते हो खाओ। डोसा मेरी तरफ से मस्ट रिकमेंडेड है, खाना चाहिए भाई, ठीक है। ऐसा मतलब हमारे इंडियन स्ट्रीट फूड पे ऐसा साउथ इंडियन खाना वगैरह मिलता है तो बढ़िया, नहीं होता हूँ तो नहीं बोला था तो चलो वीडियो एंड करते हैं, ठीक है ना। टेस्टिंग वगैरह सारी कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी गर्मी में तवे आगे खड़ा होकर बनवा रहा हूँ, सब कुछ पसीने वसीने आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी मेहनत पर लाइक करो वीडियो को, तो मिलते हैं नए टेस्ट के साथ। साउथ इंडियन फूड नहीं दिखाया था हमने आज तक चैनल पे, वो भी दिखा दिया, और ट्रस्ट में अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया मज़ा आएगा खा के। चलो आ जाओ आप, ठीक है, और खाओ, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। ओके भाई, मिलते हैं आपको नई वीडियो नए टेस्ट के साथ।